गणपति निगम और श्रीवास्तव परिवार जोड़कर आप बारंबार माता रानी की करके जय जयकार न्योता देते हैं करो सुन। आप दोनों का यू नो कुंडली को लेकर बड़ा चक्कर चल रहा है। जी जी पढ़ रहे थे आप क्या? जी जी तो वो एक रस्म होती है जो जिसमें चिट्ठी भाभी को दी जाती है देवर के हाथों, उसमें पूरा इनविटेशन होता है गेस्ट कैसे आने वाले हैं, सबका फैमिली का नाम होता है उसमें। तो वो मैं दे रहा था उनको, उन्होंने बोला कि नहीं ये दूल्हा ही पड़ता है। अब ऑब्वियसली मैं भी थोड़ा सा फेवर में न्यू शादी के इस वक्त पे, रीज़न तो आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो मैं उसमें गेस्ट लिस्ट बेसिकली उसमें गेस्ट लिस्ट का नाम पढ़ रहा हूँ कि भैया भी आना, भाभी भी आना, बच्चे भी आना, सब तोहफे लेके आना। ये सब उसमें थोड़ा सी कॉमेडी भी है, थोड़ा सा मस्ती भी है, पर कार्तिक उसको पढ़ के थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट है। तो यही हो रहा है उस सीन में। श्री उमेश और गायत्री ने चिरंजीवी श्री शंकर उमा श्रीवास्तव क्या है ना कि हमारा जो हमारा कल्चर है, हमारी सभ्यता है, हिंदू धर्म है, हमारे यहाँ शादियों में जोड़े तो भले ऊपर से बनते हैं लेकिन कुंडलियाँ भी ऊपर से मिल के ही आनी चाहिए। तो कुंडलियाँ एक सबसे बड़ा जरिया है कि हाँ उसके बाद कुंडली मिल गई तो क्या है ना राम और सीता जी की कुंडली मिलाई गई थी। तो ये कल्चर बहुत पुराना है कुंडलियाँ मिलाने की, भाई 36 गुण मिल गए तो पूरी लाइफ की कंपेटेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर भी गायत्री ने एक तिकड़म किया था कि जब वो कुंडली मिलवाने गई तब उसने कार्तिक और लक्ष्मी की कुंडली नहीं मिलवाई थी बल्कि उसकी और लक्ष्मी की कुंडली मिलवाई थी। और ये भी बहुत ही सही वाला एक मॉडर्न एंगल है कि बेटे और बहू का तो बन जाए लेकिन सास का भी बनना उतना ही ज़रूरी है, तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे उसने कुंडली मिलवाई थी और जिया जब इजीली मान गई है कि हाँ हाँ कार्तिक शादी कर ले लक्ष्मी से तो चलेगा, इसके पीछे भी कुंडली ही जिम्मेदार है क्योंकि कुंडली का सहारा लेकर उसको ढाल बनाकर गायत्री ने उसको पटा लिया है कि भाई कार्तिक की कुंडली इतनी ख़राब है कि जिससे उससे शादी होगी वो लड़की मर जाएगी, तो मैं नहीं चाहती कि तुम उससे अलग हो जाओ, तो लक्ष्मी से शादी हो जाए तो उसको मर जाने दो फिर तुम दोनों शादी कर लेना, लेकिन ये भी एक बहाना ही है। तो यहाँ पर बहुत सारे इशारेबाजी चल रही है, कहीं कुंडली का पूरा गणित चल रहा है और कार्तिक को ये सब बात पता नहीं है कि कुंडली का ऐसा कुछ पूरा गेम खेला गया है, तो ही इज़ वेरी अपसेट। बट हाँ ये चल रहा है कुछ जो आँखों आँखों में इशारों इशारों में बहुत लोग समझ गए हैं, मुझे भी नहीं पता अभी तक, देखते हैं पता चलता है उसके बाद मैं क्या करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है, फरिश्त की रस्म बोलते हैं उसको। फरिश्त की रस्म में बहुत अच्छी पोइटिक तरीके से श्री गणेश का नाम लेकर, पूरे फैमिली का नाम लेकर कि किसका बेटा है, मतलब उसके माँ बाप का नाम क्या है, उसकी शादी किसकी बेटी के साथ होई जा रही है, और उसमें मजाक भी है, हंसी मजाक भी है कि बुआ को भी आना है, कपड़े सिलवा लो। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुली रिटर्न, पोएटिक वे में लिखा है, तो सुंदर सा लिखा है और वो पढ़ने में तो खुशी मिलती है। एक लाइट नोट पे इन्विटेशन ही है कि भाई आप सबको आना है, जो करीबी लोगों को इन्विटेशन कैसे दिया जाता है, जैसे दूर का इन्विटेशन तो हम ऐसे ही दे देते हैं लेकिन करीबी लोगों को खास खास लाइन बता के इनविटेशन है। लेकिन कार्तिक बहुत नर्वस है बिकॉज मैंने जैसे बताया कि उसको पता नहीं है कि उसकी शादी लक्ष्मी से हो रही तो क्यों हो रही है, उसको करनी है जिया से शादी, वो बेचारा बता नहीं पा रहा है और धीरे धीरे मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है, उसके हाथ में कोई चीज़ नहीं है और रस्में एक के बाद एक आगे बढ़ती जा रही है। तो वो मौका ढूंढ रहा है कि कब मैं बता दूँ, कब मैं बोल दूँ, उसके हाथ काँप रहे हैं पढ़ते हुए। हालाँकि है ये बहुत सुंदर रस्म और हम सब इन्जॉय कर रहे हैं। जी ये बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट है बिकॉज अभी मैं मास्टर में मैं खुद मेरी आंखें भर आई थी क्योंकि जब जब माँ नहीं होती ना तब सब माँ बनने आ जाती है, मतलब वो रियल वाली नहीं ताने वाली माँ बनने आ जाती है क्योंकि उसका कोई नहीं होता। जब ये शादी हो गई या पहली बार खुद माँ बनना, ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी मोमेंट्स होती है, इसमें माँ का होना बहुत ज़रूरी है और लक्ष्मी की कोई माँ नहीं है और
चाची तो इतनी खतरनाक है कि दुश्मन 100 दुश्मन के बराबर है। तो इस मोमेंट में मंगल ने उसको बचपन से, जब वो छोटी थी, बिल्कुल न्यू बॉर्न थी, तब से उसने गोद में लिया और माँ के सारे फ़र्ज़ निभाए। और ये बात कुसुम को भी अच्छी तरह से पता है। और यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उल्टा गर्व है मंगल पर कि कोई अनाथ लड़की का अच्छा करना, उसकी शादी करवाना, उसका घर बसवाना अच्छा कार्य होता है। तो मैं मंगल को भी बोलती हूँ कि मंगल, इसमें तो तुम्हें ही आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज तुम ही उसकी माँ हो। माता रानी बोलो, जोर से बोलो जय माता दी। क्योंकि माता रानी की आड़ में आज ना शांति जी मुझे बहुत कुछ सुनाने वाली है, खरी खोटी। मतलब वैसे तो कुसुम को होशो हवास में कोई कुछ नहीं सुना सकता, क्योंकि कुसुम की एक नज़र से भी सब लोग डर जाते हैं। लेकिन आज क्योंकि शांति जी के शरीर में माता रानी आ गई और हम लोग भी सुन रहे हैं, और हम सब माता रानी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, तो यहाँ हम लॉजिकली नहीं सोचते कि ये झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है। इतना ऑस्पिशियस घर में माहौल है, माता रानी आई है, हम सब माता रानी का आप देख रहे हो, सब बांध के सब भक्ति में लीन है। और अचानक से शांति जी के शरीर में माता रानी आ जाती है, और माता रानी आते ही बोलते हैं, मुझे बोलने लगती है कि तू तो सबसे बड़ी कमी नहीं है, षड्यंत्र वाली है, चालबाज है, ये है वो है, सब कुछ तू करती है। तो मतलब अपनी भड़ास निकाल देती है पूरा। लेकिन वो भड़ास निकालते निकालते कुछ ऐसी बात भी बोल जाती है जो हमारे सबके माइंड में एक शंका बन जाती है, एक हमें टेंशन आ जाता है। कि वो एक लाइन ऐसी बोलती है कि भाई कुंडली का गोलमाल हुआ है, कुंडली का कुछ गड़बड़ हुआ है, और ये बात मुझे भी पता है, गायत्री को भी पता है कि कुंडली का गड़बड़ हुआ है, कुछ तो हुआ है। तो मैं बोल देती हूँ कि नहीं, जो भी बोलो, शांति जी ने जो बोला है वो माता रानी ने बुलवाया है, हमें तो टेंशन हो गया है कि कहीं कार्तिक और लक्ष्मी की ज़िंदगी या आने वाला समय ख़राब ना हो जाए। तो उन्होंने माता रानी के नाम पे बहुत कुछ कर दिया है जो आगे जाके बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करेगा।